अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकी स्नूकर और नई वीडियो के साथ आप मैं मौजूद हूं। और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे क्यूइंग के ऊपर कि क्यू फिनिश कहाँ होनी चाहिए। और उसको हम मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपने अप्लाई करनी है अदर देन गेम। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर और फिर वो गेम में खुद ब खुद आपकी एक हैबिट बन के उसका हिस्सा बन जाएगी और आप इजिली अपनी गेम को बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगेन देखिये, बात यह है कि स्नूकर जो है ना बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंप्रूव होती है, लेकिन अगर जो आप पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूं उसके ऊपर काम करते रहें तो आपकी गेम बहुत तेजी से इंप्रूव होने शुरू हो जाएगी। और यू विल बी सरप्राइज कि कितने हम अच्छे प्लेयर बन गए हैं विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वन टू वन कोचिंग के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं, कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मेरे साथ कर सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर लें क्योंकि नया कोर्स अभी फिर फॉरन स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले। स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने येलो, ग्रीन, ब्राउन मैंने तीन बॉल्स मैंने रखती हैं, ठीक है, और पिंक बॉल फिर मैं साथ रखूंगा, ठीक है। ये बेसिकली आपने क्यूइंग की एक समझ लेंगे प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं कि कितनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये पिंक बॉल है, ठीक है, लेट्स से। और ये हमारा तकरीबन 8-9 इंच वाइट बॉल से इधर तक डिस्टेंस बनता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने चुप करके ब्रिज अपना बना लेना और लेट्स से कि ये आपका वाइट बॉल है। मैं इधर एक जस्ट इमेजिनरी वाइट बॉल रख दूं फॉर रेफरेंस, लेकिन अभी मैं इसको हटा दूंगा सिर्फ बताने के लिए कि ब्रिज आपका आ गया यहां पर पिंक बॉल के पास, ठीक है। ये आपने देख लिया तो थोड़ा सा और करीब कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये बॉल है इसलिए इसको लग रहा है, वरना मैं इसको मजीद आगे लेके जा सकता, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने रेड हटा लिया, सॉरी ये हमने जो है वाइट बॉल हटा लिया और हम जो बॉल उधर मौजूद है उसके ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यूइंग की प्रैक्टिस करनी है। आपने क्यूइंग की करनी है येलो तक लेके आना है, ये देखें येलो तक लाए और फिर आपने शॉर्ट खेली, यहां लाके पूरी शॉर्ट खेली। अब आपने बेसिकली डिफरेंस इसमें फाइंड आउट करना है कि आपकी डिफरेंस क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर हमने ब्रिज रखा, अब दूसरी शॉट में आपने ग्रीन तक क्यूइंग करनी है, फिर आपने देखना है डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। फिर आपने दोबारा खड़े हो जाना है, फिर आपने उसी तरीके से ब्रिज, ठीक है, और आपने जो है वो क्यूइंग करनी है ब्राउन तक, ये ब्राउन तक, और फिर आप लाना है शॉर्ट पिंक तक तकरीबन, और फिर आपने शॉर्ट खेलनी है। अब ये तीन चार वेरिएशंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो बेसिकली इसीलिए है कि आप क्यूइंग की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से बॉल्स रख के, ठीक है, पहले यहां तक लेकर आए फिर आप थ्रो करें, फिर यहां तक लेकर आए फिर आप थ्रो करें, फिर यहां तक लेकर आए फिर आप थ्रो करें, फिर लास्ट शॉर्ट जहां भी है आपकी फिनिश हो रही है वो यहीं तक आके तकरीबन ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि व्हाइट बॉल ब्रिज पूरा नहीं आ रहा इसलिए रेफरेंस के लिए मुझे पिंग जरूरी था, और फिर थ्रॉटल करें। बेसिकली जिनसे पावर शॉट नहीं खेली जाती वो बेस्ट इस प्रैक्टिस को करेंगे तो पावर शॉट को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से आपने कितनी क्यूइंग आपने करनी है, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसी क्यूइंग को हम दोबारा करते हैं, लेकिन हम येलो हटा लेते हैं। लेट्स से कि हम दोबारा चले गए और हमारी क्यूइंग जो है ब्रिज है बिल्कुल हमने आगे कर लिया, ठीक है, और ये आपकी स्लो शॉट्स के लिए क्यूइंग है, ठीक है। फिर आपने ग्रीन हटा लिया, ठीक है, वहीं से आपने शुरू किया, ये आप आ गए, ठीक है, और ये ग्रीन के फिनिश तक, ये देखें ब्राउन से आगे लेकिन ग्रीन के फिनिश तक, ठीक है, ये आपकी मीडियम रेंज शॉट है। फिर आप पीछे लेंगे और फिर आपने शॉट खेल दी, अब आप ब्राउन के इधर तक लाएंगे, ये अब आपकी पावर शॉट आ गई। बेसिकली आप क्यूइंग की अपनी जो है वो पावर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये फिर आप यहां लाएंगे पूरी और फिर शॉट खेलेंगे एक्सट्रीम पावर की शॉट, यानी कि आपकी शॉट की वेरिएशन जो है वो आपकी क्यूइंग से बहुत ज्यादा रिलेट करती है और मुंसलिक होती है। इस पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो मेक श्योर करें कि आप इस प्रैक्टिस को अप्लाई करें।
तो इस क्यूइंग प्रैक्टिस को करें, बार बार करें, डिफरेंट जगह पे रख लें जैसे आपको सूट करें, लेकिन अपनी जो पेस कंट्रोल लोग करते हैं, सर पेस शॉट लग जाती है मेरे से, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं कि सर मेरे से स्लो शॉट नहीं लगती, मेरे से बहुत तेज शॉट लग जाती है, मेरे से डंडा लग जाता है, मेरे से ये हो जाता है, तो आपने इसको सिंपल इस प्रैक्टिस को करना है और स्लो शॉट्स के लिए फिर आपकी हैबिट बन जाएगी कि जब मैंने स्लो करना है तो क्यूइंग भी थोड़ी होगी, स्लो होगी और हल्की सी शॉट में खेल दूंगा। फिर इसी तरह आपने ग्रीन के लिए करना है, फिर आपने ब्राउन के साथ करना है, यानी कि डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं बेसिकली क्यू को पैरेलल रखते हुए आप चलाएंगे और उस अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए ये चीजें साउंड करती हैं बड़ी बोरिंग, के जी बड़ी बोरिंग सी चीज है, लेकिन यही चीज वो है जो आपकी क्यूइंग को स्टडी करती है और एडवांस बनाती है और एक अच्छा प्लेयर बनाती है। बगैर इस बोरिंग काम के आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो यहां पर ये वीडियो खत्म करते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, TikTok को सब्सक्राइब करें, Insta को सब्सक्राइब करें और Facebook को लाजमी फॉलो करें क्योंकि मैं रेगुलरली लाइव आ रहा हूं। कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स चल रहा है और वन टू वन कोचिंग इस्लामाबाद में हो रही है। अगर मुझे अपने शहर में, अपने मुल्क में इन्वाइट करना चाहें तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स मौजूद हैं। एनी क्वेश्चंस फील फ्री, और शेयर जरूर किया करें मेरी वीडियोस को, एक अगर लाइक भी हिट कर दें तो अच्छी बात है, अगर क्योंकि आप इसको देख रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इतना तो हक हमारा बनता है कि आप लाइक करें और इसको एक शेयर मार सकें। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।